गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस्केप विद पीके। आज 26th ऑफ नवंबर है एंड एग्जैक्टली वन मंथ के बाद, दैट इज ऑन 26th ऑफ दिसंबर, वी आर सेलिब्रेटिंग कबीर्स फर्स्ट बर्थडे। वी आर सो मच एक्साइटेड दैट आवर सन कबीर इज टर्निंग वन। तो इस वीडियो का बेसिकली पर्पस ये है कि जो भी एलिमेंट्स एक फर्स्ट बर्थडे की प्लानिंग में लगते हैं, ठीक है, वी विल टेक यू थ्रू दैट। सो द फर्स्ट थिंग इज द वेन्यू। वट वी रिकमेंड इज कि वेन्यू हम टाइमली बुक करवा लें, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द सीज़न। अगर शादियों का सीज़न है तो आपको वेन्यू मिलने में बहुत डिफिकल्टी होती है, और अगर ऑफ सीज़न है तो इट इज़ ईजिली अवेलेबल। बट स्टिल द थंब रूल इज टू बुक योर वेन्यू वेल इन एडवांस। तो जो हमने ऑलरेडी कर लिया, वी सर्च फॉर सम वेन्यूज, बट फाइनली वी हैव डिसाइडेड टू गो विद द वी क्लब, जहाँ ऑलरेडी हमारा सनाया का बर्थडे हुआ था और हमारे पापा की रिटायरमेंट हुई थी। क्योंकि ये ऐसा वेन्यू है जो हमें दिल से पसंद है। दिस इज आर एवरग्रीन वेन्यू। ये हमें पसंद आता ही आता है। और डे फंक्शन है हमारा। ऑल दो मेरा मन था कि इस बार हम कबीर का बर्थडे रात को करें, क्योंकि सनाया का हमने डे में किया था, मेरा रात को करने का मन था, बट ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ वेन्यू इन वी क्लब इन नाइट ऑन 26th ऑफ दिसंबर, सो वी आर फोर्स टू डू द कबीर्स बर्थडे ऑन डे इन डे। सो तभी दैट्स वाई वी लिटल बिट यू नो कन्फ्यूज, और थोड़ा बहुत हमने एक्सप्लोर किया। अगर हमें नाइट की अवेलेबिलिटी थी तो हम फर्स्ट मोमेंट पे ही वी क्लब को डन कर देते। सो दैट्स अबाउट द वेन्यू थिंग। अब और एलिमेंट्स भी हैं जो धीरे धीरे हम चलेंगे और आपको लेके चलेंगे और इंट्रोड्यूस करेंगे कि क्या क्या एलिमेंट्स लगते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज वेन्यू, और आपको वेन्यू भी दिखाते हैं कि वेन्यू यहाँ पर कैसा है। ठीक, तो चेकलिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट वेन्यू हमारा टिक हो चुका है। नेक्स्ट आता है फाइनलाइजेशन ऑफ मेन्यू। तो आज शेफ सर ने हमें फूड टेस्टिंग के लिए बुलाया है। फूड मैंने टेस्ट कर लिया है और खुशबू ने भी कर लिया है, तो हमें तो फूड बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा, और जिसके हाथ का ये जायकेदार खाना है अब हम उससे मिलवाते हैं, मिस्टर BS नेगी। सर प्लीज़ थोड़ा सा अपने बारे में। सर मेरा नाम BS नेगी है, मैं प्रॉपर उत्तराखंड से रहने वाला हूँ, बट मैं राजस्थान जयपुर में सेटल हूँ, और मेरा फर्स्ट जो होटल इंडस्ट्री में मैंने जॉब किया वो ITC से मेरा स्टार्ट हुआ है, और मेरे जो सीनियर हैं मिस्टर गिल हैं, तो कॉर्पोरेट चेयरपर्सन हैं ITC के, और उनके अंडर में मैंने काम किया है। राजपूतान में पहले सैटन जयपुर में मैंने काम किया है, उसके बाद मैंने ओवरे में जद्दा ट्राइडेंट में काम किया है, और उसके बाद मैं जो है डेजिन ग्रुप में मैंने काम किया है, और उसके बाद मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो रेडिसन में काफ़ी अच्छा रहा, कबाब फैक्ट्री से लेके इंडियन से लेके करी से लेके 2004 से लेके कंट्री स्वीट्स रेडिसन और पार्क प्लाजा, इनमें मैंने जॉब किया हुआ है। 2017 तक मैंने काम किया हुआ सर वहाँ पे। उसके बाद मैं कोयम्बटूर रेडिसन ब्लू में काम किया, मैंने पंजाब में किया मैंने काम पार्क प्लाजा के अंदर, और उसके बाद मैंने दिल्ली में कंट्री नाइन स्वीट सतबरी में मैंने काम किया। बाकी मेरे रेस्टोरेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक साल से यहाँ पर कर रहा हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सो ही इज़ मिस्टर नेगी, जो बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ ऑलरेडी इन्होंने आपको बताया, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ एसोसिएट हैं। सो हम बहुत वेट कर रहे हैं कि फंक्शन पे इनके हाथ का खाना टेस्ट करें। सैंपल जो हमने लिया है उसमें तो मज़ा आ ही गया, और बर्थडे पे वी आर वेटिंग फॉर दैट। सो थैंक यू सो मच, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। सो गाइस, चेकलिस्ट में जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, दैट इज़ डेकोरेटर, डेकोरेशन ऑफ द पार्टी, एंड वी आर चूजिंग द थीम बेस्ड डेकोरेशन। उसके लिए हमने मिस चेतना को हायर किए हैं, चेतना अरोड़ा, और इनकी एक वेबसाइट है partypresenter.com। इनका हमने काम देखा है और इतना अच्छा काम है, इतना पसंद आया ना, और आपको इनका काम दिखाएंगे जब हम कबीर के बर्थडे की फ़ोटो शूट करेंगे, लाइक वीडियो बनाएंगे। अभी चेतना अपने बारे में बताएंगी कि चेतना क्या क्या, लाइक कौन कौन से डेकोरेशंस देती हैं, क्या क्या इवेंट्स करती हैं। थैंक यू सो मच खुशबू, थैंक यू सो मच गाइस। वी आर डूइंग सो मेनी पार्टीज, लाइक द हल्दी फंक्शंस भी हम करते हैं, मेहंदी फंक्शन हो गया, बर्थडे पार्टीज़ के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ थीम्स हम करते हैं। जैसे अगर इफ़ यू वॉन्ट द बेबी बॉय के लिए आपको चाहिए, लाइक जंगल थीम है, मिनियन थीम है, कार थीम है, विनी द पू, देर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ थीम्स। बेबी गर्ल के लिए चाहिए तो रॉयल प्रिंसेस है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है, मतलब एंडलेस कोई भी डेकोर आप करवा सकते हैं, किसी भी टाइप से करवा सकते हैं। थीम डेकोरेशन के लिए आई एम हेयर फॉर यू, एनी टाइम यू कैन कॉल मी ऑन माई नंबर, एनी टाइम यू कैन कॉल टू खुशबू ऑल्सो, एंड पर्सनली शी टेक केयर्स ऑफ द, एक वेन्यू पे जाती हैं और खुद डेकोरेशन देखती हैं सब। हमें ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि पर्सनल अटेंशन देती हैं। सो वी डेफिनेटली रिकमेंड partypresenter.com। सो इनका काम हम आपको कबीर के फर्स्ट बर्थडे की वीडियो में दिखाएंगे। सो
सो गाइस, डेकोरेटर चेतना से फाइनल डिस्कशन के बाद अब हम घर आ गए हैं। हमने जो है थीम बेस्ड डेकोरेशन लिया है, और थीम बेस्ड इसको फाइनल करने के लिए हमने बहुत सारी लाइव बर्थडे पार्टीज़ भी अटेंड करी, और हमने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स से, डेकोरेटर से पिक्चर्स भी मंगाई थी लाइक डेकोरेशन की। और हमने जो थीम फाइनलाइज किया है कबीर के बर्थडे के लिए, वो जंगल थीम फाइनल किया है। जंगल थीम में क्या क्या एलिमेंट्स रहेंगे, एक्चुअली ये जो एलिमेंट्स हैं वो थीम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। लाइक जो स्टेज है, स्टेज का डेकोर होगा बैक स्टेज, और केक टेबल होगी, जो राउंड टेबल्स होंगी उस पर हीलियम के बलून्स लगेंगे विद एनिमल प्रिंट, बिकॉज हमने जंगल थीम लिया है तो ये एनिमल प्रिंट रहेगा। लाइक किसी ने किटी थीम लिया है तो वो किटी रहेगा, वो डिपेंड्स ऑन द थीम। और इसमें हमने लिया है एक सेल्फी बूथ रहेगा, और गेट पे आर्श बनेगी, और कबीर लाइक कबीर की फ़ोटो के साथ उस पर वेलकम नोट होगा। और इसमें हमने लिया है एक बाउंसी लिया है बच्चों के लिए, ताकि बच्चे थोड़ा सा इन्वॉल्व रहें। और टैटू आर्टिस्ट लिया है, क्योंकि बच्चे और आजकल बड़े भी बहुत सारे टैटू बनवाने के शौकीन हैं, और बच्चों और बड़ों दोनों को इन्वॉल्व रखने के लिए, एंगेज रखने के लिए हमने गेम्स रखी हैं। उन गेम्स को लाइक मैनेज करने के लिए, उनको खिलवाने के लिए गेम कोऑर्डिनेटर होगा, तो लाइक ताकि सब लोग बहुत इन्जॉय करें। तो ये चीज़ें होंगी जो जंगल थीम में, और लाइक पार्टी में, पार्टी कैसे दिखेगी वो तो आपको कबीर के बर्थडे में दिखाएंगे। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। सो बर्थडे प्रिपरेशन का नेक्स्ट एलिमेंट है ड्रेसेस। ड्रेसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी पार्टी में जान डालने के लिए। हमने अपनी ड्रेसेस दो पैरामीटर्स पे डिसाइड की हैं, पहला है कलर, सेकंड है पैटर्न। तो कलर हमने क्या प्लान किया है कि हम चारों, यानी कि मैं, खुशबू, कबीर एंड सनाया विल बी वेयरिंग सेम कलर ड्रेस, एंड कलर विल बी ब्लैक। सेकंड है पैटर्न, जिसमें फादर एंड सन, यानी कि मैं और कबीर विल बी वेयरिंग सेम पैटर्न ऑफ ड्रेस। सेकंड, खुशबू एंड सनाया विल बी वेयरिंग सेम पैटर्न ऑफ ड्रेस। ड्रेसेस के लिए जनरली व्हाट वी प्रेफर टू गो टू करोल बाग। करोल बाग ड्रेसेस के लिए हमें तो बहुत अच्छी मार्केट लगती है, यू गेट हेल लॉट ऑफ यू नो वैरायटी ऑफ ड्रेसेस। हम जनरली अपने फंक्शंस की सभी ड्रेसेस करोल बाग से ही लाते हैं, तो इस बार भी वी वेंट देयर। तो लेट मी गिव यू अ ग्लिम्स कि हम क्या लेके आए हैं। सो खुशबू, टर्न द कैमरा टू दिस साइड। तो दिस टाइम वी आर प्लानिंग इंडो वेस्टर्न। सो दिस इज माय attire. So top will be entire black and bottom will be, you know, white color. So this will be my Indo-Western, and this is Chotu's Indo-Western, black, and again bottom will be white. So how is it looking? Actual look आपको हम ready होके दिखाएंगे। In addition, pocket square भी हमने red color का लिया है, क्योंकि black के साथ red थोड़ा अच्छा contrast देता है। And apart from that, हमें बाय चांस फुटवेयर भी हमें सेम टाइप के मिल गए हैं। सो दीज आर लिटिल वंस एंड माइन फुटवेयर। सो ऑलमोस्ट हमें यू नो सेम मिल गया। सो दिस इज अबाउट माइन एंड कबीर्स ड्रेसेस। खुशबू आपको अपनी और सनाया की ड्रेसेस के बारे में बताएगी जब उसको डिलीवरी मिलेगी ड्रेसेस की। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, जैसे प्रतीक आपको उनकी और कबीर की ड्रेस दिखा चुके हैं जो कि सेम है, और मेरी ड्रेसेस की डिलीवरी आज मुझे मिली है बुटीक से। और तो चलिए मैं आपको अपनी और सनाया की ड्रेस दिखाती हूँ जो सेम है बिल्कुल, और ब्लैक कलर में है। तो चलिए ये देखिए, दिस इज़ माय ड्रेस, दिस इज़ गाउन विच इज़ असिमेट्रिकल। आगे से थोड़ा शॉर्ट है और पीछे से लॉन्ग है, और नेट है ऊपर। और ये है मेरी प्रिंसेस का गाउन, हम दोनों की ड्रेस बिल्कुल सेम है। ये ड्रेस हमने बनवाई है बुटीक से, जो कि है सिटी सेंटर मॉल में, बोजन रिबन्स बाय दीप्ति राणा। और हम दीप्ति के पास गए फर्स्ट टाइम मिलने, रैंडमली हम गए, और मुझे उससे बात करके इतना अच्छा लगा, और मैंने उसको बताया कि ये एक थॉट हमारे माइंड में है, द ओकेजन इज़ माय सन्स फर्स्ट बर्थडे। तो उसने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आ जाइए। अब आफ्टर वन मंथ हम उसके पास गए, और हमने और कहीं कुछ सर्च नहीं किया कि दीप्ति ऐसे ऐसे करना है। और दीप्ति ने मतलब फैब्रिक भी उसी का, और बस मैंने डिज़ाइन दिखाया, पैटर्न दिखाया कि मुझे इस टाइप का मेरे माइंड में है, ऐसा आप बना के दो। बाकी इसने बहुत अच्छा सा बना के दिया, एंड वी वर लुकिंग नाइस, मुझे ऐसा लगा। तो ये हमारी ड्रेसेस हैं सेम। ओके, हे गाइस,
आज के लिए हमने दो टारगेट रखे हैं मैंने और खुशबू ने, एक हमें फोटोग्राफी एलिमेंट को फ्रीज करना है, सेकंड एलिमेंट विल बी योर ऑर्डरिंग ऑफ द केक। तो लेट मी टेक यू थ्रू वन बाय वन, ठीक है। तो फोटोग्राफी में वी हैव प्रेफर्ड ईशांत, ईशांत आप उसका पेज है स्टूडियो फोटो किंग ऑन द इंस्टाग्राम, सो यू कैन गो थ्रू दैट। हमारे प्रीवियस 2-3 इवेंट्स भी ईशांत ने ही कैप्चर किए हैं। सो एज पार्ट ऑफ फोटोग्राफी देर आर 3-4 थिंग्स जो हमने एज पैकेज कंसिडर किया है, जिसमें वी कैन से फोटोज़ फ्रॉम बोथ ट्रेडिशनल एंड कैंडिड शॉट्स, वीडियो फ्रॉम अगेन वीडियो फ्रॉम बोथ ट्रेडिशनल एज वेल एज सिनेमेटिक शॉट्स। सो बोथ दीज थिंग्स हैव बीन कवर्ड प्लस द एल्बम, यस 30-40 शीट्स जितना आप चाहते हैं दैट एल्बम एज ए पार्ट। सो वो आज हमारा क्लोज हो चुका है। कमिंग टू द नेक्स्ट एलिमेंट विच इज़ केक। केक में क्या है कि हम हमेशा बेकर्स ओवन का ही केक प्रेफर करते हैं, सेक्टर 31 गुड़गांव। दे आर मल्टीपल आउटलेट्स नो डाउट अबाउट दैट इन गुड़गांव, बट हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है वो बेकर्स ओवन के साथ इट्स परफेक्ट एंड वेरी गुड। सो जितने भी हमारे रेगुलर ओकेजन्स होते हैं, बर्थडेज, एनिवर्सरीज या जो हम वेन्यू पे ओकेजन्स करते हैं, हम हमेशा बेकर्स ओवन से ही केक लेते हैं। सो मैंने और खुशबू ने डिसाइड किया कि आपको जैसे हमने बताया है कि वी ऑलरेडी हैव यू नो जंगल थीम प्लान्ड इन अवर डेकोर पार्ट, सो उसी से रिलेटेड हमने केक ऑर्डर किया है विच विल बी अ 3-layer 5 kg केक, जिसमें यू नो बेस विल बी लाइक अ जंगल एंड देयर विल बी सम एनिमल्स ऑन द शुगर कैंडीज। सो लेट मी शो यू द केक एज वेल, यू विल डेफिनेटली लव इट। सो सी दिस इज द केक, सो दीज आर द 2 एलिमेंट्स जो आज हमने क्लोज किया एंड वी आर प्रेटी हैप्पी कि जैसे जैसे आपके टास्क क्लोज होते चले जाते हैं इट मेक्स यू हैप्पी। सो हमारे इवेंट बाई इवेंट एवरी थिंग इज गेटिंग कम्प्लीटेड, सो लेट्स ओके। सो गाइज नेक्स्ट एलिमेंट जो चेक लिस्ट में आता है वो है रिटर्न गिफ्ट, क्योंकि जो गेस्ट हमारे पास आएंगे ऑब्वियस है बर्थडे पे वो गिफ्ट्स लेके आएंगे, तो दिस इज़ अ गुड जेस्चर कि हम उनको रिटर्न में गिफ्ट दें। और गिफ्ट जो है, गिफ्ट को लेते समय आप ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारा बजट क्या है, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सीज़न क्या है, सीज़न के अकॉर्डिंग गिफ्ट लेना चाहिए, क्योंकि कबीर बहुत ही सर्दियों में बॉर्न हुआ है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग जो रिटर्न गिफ्ट्स लिए हैं वो हमने लिए हैं ये कम्फर्टर्स। दीज आर कम्फर्टर्स जो कि इतनी सर्दियों में तो नहीं, बट हाँ जो थोड़ी फेबररी या जनवरी लास्ट की जो विंटर्स होती हैं उसमें काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। डिज़ाइन और पैटर्न इसमें डिफरेंट हैं, बट हाँ बेसिकली डिज़ाइन ही डिफरेंट है और कलर, डिज़ाइन एंड कलर डिफरेंट है। सो दीज आर द रिटर्न गिफ्ट्स विच वी आर प्लानिंग टू गिफ्ट टू आर गेस्ट। ये तो रहेंगे बड़ों के लिए, और बच्चे जब आते हैं पार्टी में तो वो तो जान होते ही, उनको खुश होकर जाना बर्थडे पार्टी से बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों के लिए जो हमने रिटर्न गिफ्ट लिए हैं वो ये बैग्स लिए हैं, ये क्योंकि बच्चे बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं तो ये बैग्स हमें काफ़ी यूज़फुल लगे। इसके लिए हम झंडे वाला गए थे, वहाँ से हम ये बैग्स लेके आए हैं, और हमने इसको डिफ्रेंशिएट ऐसे किया है बेसिकली कि जो बॉयज़ आएंगे वो रेड कलर उनको हम देंगे, और जो गर्ल्स आएंगी उनको पिंक कलर लेंगे। सनाया ने अपने पहले ही पिंक कलर चूज़ कर लिया है, और ये ओपन करने के बाद ऐसा दिखेगा, और सनाया अभी आपको कैरी करके दिखाएगी, ये अपने एक्टिविटी में लेके भी जाती है। सनाया कैरी करके दिखाओ, कैसे आप इसको कैरी करते हो? ये ऐसे आप इसको कैरी करो या साइड में कैरी करो, है ना? सनाया आप इसमें क्या क्या रखते हो? बॉटल, हैंड टॉवल, है ना, और एप्पल, हाँ फ्रूट भी लेकर आती है। तो सुनाया कि ये चीज़ें रहती हैं इसमें जो कि इसमें बहुत इजीली आ जाएगा। तो ये हमने बच्चों के लिए गिफ्ट लिया है, और ये दो दो सेम है। क्या सेम है? बैग। हाँ हाँ एग्जैक्टली, तो सुनाया ने चूज किया, और एक एक खुलौए, एक खुलौए ये वाला मेरा है और एक बैग। सुनाया को हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं होती कि बेटा आपको ये बोलना है, सुनाया अपने आप बोलती रहती है। बैक टू बैक, नोज टू नोज, हैंड टू हैंड, शोल्डर टू शोल्डर। ओ सुनाया इज अ विनर। गाइज आप ही सोच रहे होंगे कि हम ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमने बर्थडे पार्टी में गेम्स भी रखवाई हैं, गेम कोऑर्डिनेटर वहाँ पर होगा जो गेम्स खिलवाएगा बच्चों को बड़ों को, और आपने देखा ही होगा गेम विन करने पर कैसे खुशी होती है चाहे वो छोटी सी गेम ही क्यों ना हो। तो बर्थडे उसके लिए हमने जो गेम को विन करेगा चाहे वो बच्चा हो,
चाहे बड़ा हो, तो हमने गेम्स के लिए गिफ्ट भी रखे हैं विनर के लिए, ये सुनाया। और बड़े-बड़े भी टैटूज भी हैं। टैटूज भी हैं, सो आप टैटू अपने हाथ पे करवा सकते हैं। मैं दोनों हाथ पे अलग लगाऊंगी, एक डोरेमोन एक बार्बी। सनाया का तो डिसाइडेड है, सो गाइस आप भी डिसाइड करके रखिए कि आप अपने कौन से हाथ पे कौन सा टैटू बनवाएंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि गेम्स के गिफ्ट्स क्या हैं जो हम देने वाले। ये गेम्स के गिफ्ट्स हैं, सनाया इधर जाओ बेटा। ये गेम्स के गिफ्ट्स हैं, ये हैं कॉफी मग्स कहो या बच्चों के लिए हॉट मिल्क कहो मग, चाहे इसमें पानी पियो आपकी मर्जी है। ये लो आप दिखाओ, दिस इज द कॉफी मग। ये विद अ लिड है, जो द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मग इज ये बाहर से प्लास्टिक है बेटा, एक सेकेंड, बाहर से प्लास्टिक है और अंदर से ये स्टील है। और बाकी के मग्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स ये रहती हैं कि जो हैंडल होता है वो टूट जाता है, बट इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम हमें लगी नहीं। सो दिस इज द गिफ्ट फॉर गेम्स जो हम देने वाले हैं विनर को। सनाया क्लास, सनाया इज अटेंडिंग द क्लास रेजिंग हर हैंड। यस सनाया, योर टर्न नाउ। मॉम व्हाट, जो हमारे पास भी ग्रीन कलर का ये अंदर से वो स्टील ही है, लेकिन वो पहले जैसे ही लग रहा है। हाँ, इस क्योंकि सनाया के पापा जो प्रतीक हैं, जो बिहाइंड द कैमरा है, वो सेम मग यूज करते हैं, ग्रीन कलर का ये है, बट दैट इज विदाउट लिड और अंदर से स्टील है। ठीक है, ठीक है। और मम्मी आई वुड दिस एंड दिस। ओके, सनाया ने अपने कलर चूज कर लिए, चाहे वो गेम विन करे या ना करे, रेड एंड ऑरेंज। तो दिस इज द गिफ्ट फॉर गेम्स and which is also very important element, yes. as part of birthday preparation. Yes. सो गाइज यहाँ पर हम इस वीडियो को एंड कर रहे हैं। होप जो हमने एलिमेंट्स कबीर के फर्स्ट बर्थडे पार्टी के लिए प्लान किए हैं, वो आप भी अगर अपने बच्चे का इवेंट फर्स्ट बर्थडे प्लान कर रहे हैं तो जो जो एलिमेंट्स हमने प्लान किए हैं, होप आपको ये वीडियो ज़रूर इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल रही होगी और आप भी हमारी तरह इस प्लानिंग एंड प्रिपरेशन की वीडियो को इन्जॉय करेंगे जैसे हमने बनाने में किया, आप देखने में करेंगे। बट एक पॉइंट है, लेकिन जब आप इस प्लानिंग और प्रिपरेशन में खुद इन्वॉल्व होते हैं, यू गेट अ कॉन्फिडेंस, प्लस आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ता ही बढ़ता है, प्लस यू गेट अ यू नो एक अच्छा लगता है कि आप टास्क को वन बाय वन कंप्लीट करते जा रहे हैं और फाइनल जब इसका लुक आप देखते हैं, यू फील ग्लैड कि यार वाओ, दिस इज द थिंग हाउ वी प्लान एंड दिस इज यू नो दिस इज द आउटकम, सो दैट मेक्स यू रियली हैप्पी। सो होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज गिव इट अ थम्स अप, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक यू, बाय।